तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट जावा, और वो भी पहली बार। और माइनक्राफ्ट जावा में आज हम वोल्केनो ब्लॉक खेलने वाले हैं, जो कि आपको पता है ब्लैक क्लिव गेमिंग ने भी खेला था। और मैंने तीन ही वाला ही सिलेक्ट किया है, यानी कि 2x2 का, और उसके आसपास कोबलस्टोन। एक बड़ा वर्ल्ड भी आता है जिसमें ग्रास जो है वो 5x5 का हो जाता है, और उसके आसपास कोबलस्टोन होता है। लेकिन हमने सोचा थोड़ा हार्ड खेलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें शुरुआत में एक नाइफ दिया गया है और एक क्विस्ट बुक दी गई है। तो क्विस्ट देखते हैं सबसे पहले हमारे क्या है। और हाँ, इसमें इतने से क्विस्ट नहीं है, इसमें चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और चैप्टर नहीं, ऑटो में से चैलेंज है कुछ और है, ऐसे चैप्टर 5 है। तो हमें 5 के 5 चैप्टर कम्प्लीट करने हैं। ओके, तो पहला जो हमारा क्विस्ट है वो है, हमें चाहिए प्लेयर फ्लैश और बोन मील। बोन मील कैसे बनेगा? ओके, बोन मिल प्लेयर फ्लैश से बन जाएगा। और ओके गाइस, तो मुझे पता चल चुका है हमें इस नाइफ से खुद को मारना है और अपना ही फ्लैश निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले क्राउच करना है और फिर राइट क्लिक करना है, और नीचे नहीं गिरना था, नीचे नहीं गिरना था। चलो कोई बात नहीं गाइस, गिर गए तो गिर गए, एक बार फिर से करते हैं। और यहाँ पर कहीं पर मेरी ग्रेव पड़ी होगी, ये रही, तो इस ग्रेव को हम ले लेते हैं। चलो, इसी बार मुझे 2 फ्लैश मिल गए। इस बार मैं थोड़ा बीच में कराऊंगा, फिर करूंगा। ओके, बच गया, एक और मिल गया मुझे, एक बार फिर से बच गया। और एक बार मैं क्या और कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, ओके, तो 6 फ्लैश मेरे पास आ चुके हैं। और इसके अलावा मुझे बोन मिल चाहिए था, और बोन मिल बन जाएगा हमारा कुछ ऐसे। और मैं सारे का बोन मिल ही बना लेता हूँ, क्योंकि हमें बोन मिल ही चाहिए फिलहाल। तो इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं, और हमारा जो क्विस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ये रहा क्विस्ट। और इससे हमें क्या मिला है? मीट कबाब, क्या बात है। चलो, हमें मारकर हमें खाने की चीज़ें दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इसको फिलहाल मैं खा ही लेता हूँ, देख लो। इसे कहते हैं माइनक्राफ्ट, पहले अपने आप को मारकर अपना मीट निकालो, फिर दूसरे का मीट खाओ। चलो, अच्छी बात है। और इसके अलावा हमें थोड़ी सी, एक बार मैं पहले अगला क्विस्ट देख लेता हूँ क्या। ओके, तो हमें एक वुडन हो बनानी है, जो कि 3 स्टिक्स से बन जाएगी, ठीक है। और स्टिक्स हमें ग्रास से मिल जाएगी, यानी कि हमें बोन मिल मारना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा बोन मिल मारता हूँ यहाँ पर। ओके, इससे तो नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली। ओके, तो मुझे 1 स्टिक्स मिल चुकी है, लेकिन मुझे टोटल 3 स्टिक चाहिए। तो ठीक है, मुझे स्टिक्स तो 2 ही मिली है, लेकिन एक पम्पकिन सीड और 2 फ्लैक्स सीड मिल चुके हैं। चलो, इनका देखेंगे बाद में क्या काम है, लेकिन इनको फिलहाल के लिए मैं इन्वेंटरी में स्टोर करा देता हूँ। और हाँ, मुझे अपने आप को फिर से मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो आई नहीं। तो चलो, फिर से कंटिन्यू करते हैं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा डैमेज मिलेगा, और मैं अपने आप को और मार भी नहीं सकता। वैसे मार सकता हूँ अगर खाना खा लूँ तो ठीक है, इसमें जितना अपने आप को मार सकता था मैंने मार लिया है। और अब तो मेरा खाना भी खत्म हो चुका है, तो अब जितने बोन मिलते हैं इन्हीं से गुजारा करते हैं, और देखते हैं कुछ मिलता है या फिर नहीं। तो ठीक है, इसमें 3 स्टिक्स तो मिल चुकी है, लेकिन इन स्टिक्स से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमें एक अलग प्रकार की सीट चाहिए, तो वो भी हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर ही हम हो का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और बोन मिल मारना पड़ेगा इस पर, और आई होप कि इस बोन मिल से मुझे वो सीट मिल जाए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ओके, वैसे मुझे ओके, तो मुझे वो सीट मिल चुकी है गाइस फाइनली लास्ट वाले में। तो अब जल्दी से अपने क्विस्ट चेक करते हैं। ओके, वैसे अभी क्विस्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि पहले मुझे एक हो बनानी पड़ेगी, जो कि कुछ ऐसे बन जाएगी। ओके, हो आ चुकी है मेरे पास, तो इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ। ओके, तो ये वाला क्विस्ट भी हमारा पूरा हो चुका है, अब जल्दी से रिवार्ड कलेक्ट कर देते हैं। आई होप रिवार्ड में कुछ अच्छा सा मिल जाए। ओके, खाने को दे रहे हैं फिर से। चलो, अच्छी बात है, पहले हमें खाओ फिर हम इन्हें खाएंगे। ओके, तो ये तो ऐसे ही है। ओके, ये मुझे 4 चाहिए, और मुझे सिर्फ 1 ही मिली है। वैसे मुझे 1 ही चाहिए आई थिंक, क्योंकि 1 से मैं ज़्यादा बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे पहले अपनी हो निकालनी पड़ेगी, और इसे मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और इसे यहाँ पर, और अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो ये थोड़ा जल्दी ग्रो होगी। हाँ, ये थोड़ा जल्दी ग्रो होगी अगर मैं शिफ्ट कर, मतलब क्राउच करके रखूँगा, तो इसे ग्रो होने देते हैं। तो ठीक है, इसे मेरे पास टोटल 6 नॉर्मल सीड्स आ चुके हैं, और बाकी की मैंने उगा भी दिए। तो अब जल्दी से अपना क्विस्ट पूरा। ओके, तो पहले मुझे एक RTCR भी बनाना पड़ेगा, जो कि 4 नॉर्मल सीड से बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बैक चलते हैं पहले तो, और अपनी इन्वेंटरी ओपन करते हैं। ओके, तो हमारे पास RTCR सीट भी आ चुका है, और इस सीट से क्या होगा गाइस, इस सीट से हमें मिलेगा कार क्राफ्टिंग टेबल। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही,
लेकिन उससे पहले बंद करते हैं और अपना जो क्विस्ट है उसका जो रिवार्ड है वो कलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और बोन मिल दे रहे हैं और यूनिक क्रूप्स की हमें गाइड दे रहे हैं, ठीक है। और इसका अगला जो टास्क है वो है हमें बेक्ड पोटैटो बनाने हैं, और वो कैसे, हमें पोटैटोस को लावा में फेंकना है, क्या बात है। तो जल्दी से इसे बंद करते हैं पहले तो। और जब आप इन क्रॉप्स को तोड़ते हो गाइस, ये क्या नाम है इसका, नॉर्मिया जब ग्रो हो जाती है, तो जब आप इसे तोड़ते हो तो आपको अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती है गाइस, जैसे वीट, बीट रूट और ये सब चीजें, और उससे ही आपको पोटैटो भी मिलते हैं। तो मेरे पास अभी तीन है, यानी कि मुझे एक और चाहिए, तो वो भी मैं जल्दी से दे देता हूँ। आई होप कि इनमें से कोई ना कोई तो ग्रो हो ही गई होगी। और हाँ गाइस, अगर आप शिफ्ट करके रखते हैं तो ये जल्दी ग्रो होती है। इनमें से अगर एक ग्रो होती है तो फिर वहां पर मुझे ये वाली सीट भी लगानी है, ताकि मुझे एक क्राफ्टी टेबल भी मिल सके। और हाँ, इसमें क्राफ्टी टेबल ऐसे ही बनता है। ठीक है, मेरे पास चार पोटैटो तो आ चुके हैं, और इनको बेक करने की एक ट्रिक होती है गाइस, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पर फेंकना है गाइस इन्हें, यहाँ पर बिल्कुल। तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं कहीं यहाँ खुद ही नीचे ना गिर जाऊँ। और एक मैंने गलत जगह पर फेंक दिया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और हमारा ये वाला प्लांट भी ग्रो हो चुका है, तो ये देखिए, इससे ब्रेक करने से हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल जाता है, और अब मैं इसे नहीं उगाने वाला। और इस क्राफ्टिंग टेबल से हमें बनाना है क्राफ्टिंग स्टेशन, तो वो भी लगे हाथ बना ही लेते हैं, क्योंकि ये भी क्विस्ट में है। तो ये आ गया हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग स्टेशन। और अब अपने रिवार कलेक्ट करते हैं एक साथ। ओके, तो इसका रिवार भी मुझे मिल गया, 5 बोन मिल। अब बोन मिल ही देंगे कुछ अच्छी सी बात चीज दे दो, इससे ही बोन मिल, क्या ही बात है। ओके, तो अब हमें बनाना है एक ड्राइंग बेसन, एक ओक बकेट और एक हे बेल। ड्राइंग बेसन बन जाएगा ये क्या, ओके स्टिक से बन जाएगा, और इसके अलावा ओक बकेट जो है वो भी आई थिंक स्टिक से बन जानी चाहिए, ओके ठीक है। और ये वीट से बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा सामान तो आई थिंक है मेरे पास, तो पहले तो जल्दी से बैग चलते हैं, और मुझे एक बार स्टिक्स देखनी पड़ेगी मेरे पास कितनी है। तो मेरे पास 9 वीट तो है, तो मैं जल्दी से इससे एक हे बेल तो बना ही लेता हूँ। ओके, ये आ गई मेरे पास एक हे बेल। तो एक चीज तो हमने बना ली है, और मेरे पास स्टिक्स तो बिल्कुल ही नहीं है, तो स्टिक्स मुझे कैसे मिलेगी। तो ठीक है, मैंने यहाँ से ये सारी सारी क्रॉप हटा दिया, और मुझे ये भी पता चल गया कि वो क्यों हमें इतना बोन मिल दे रहे थे, क्योंकि अब हमें बोन मिल की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ, और यहाँ पर अब बोन मिल मारते हैं क्या। अरे ये क्या बला है रे भाई, अब मुझे थर्ड ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनेगा। ओके, तो मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, मुझे सारे के सारे को डर्ट में नहीं करना था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, वीट से इसमें बन जाती है एक ग्रास ब्लॉक, तो हम एक ग्रास ब्लॉक बना लेते हैं जल्दी से। ओके, ये आ गया हमारे पास ग्रास ब्लॉक, और अब इसे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारी 4 वीट एक हिसाब से वेस्ट हो गई यहाँ पर। तो पहले शिफ्ट करते हैं और इस ब्लॉक को वे करते हैं, और इसके नीचे भी लावा, और मेरा वो ब्लॉक भी वेस्ट हो गया, क्या बात है। तो ठीक है, इस काफी टाइम मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे पास 12 स्टिक्स आ चुकी है, और अब मुझे इनका बनाना है पहले तो एक ये, तो इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, और एक मुझे बनानी है इनकी बकेट, तो ये भी बन गई। और फाइनली हमारे ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अब क्विस्ट कलेक्ट करते हैं, कोई अच्छी सी चीज देना भाई, काफी मेहनत लग गई इसको पूरा करने में। और ये क्या हुआ, ओके मैंने उसकी तरफ होल्ड कर रखा है। ओके, इतनी मेहनत करने के बाद क्या दे रहे हैं, 5 बोन मिल, वाह भाई वाह। तो अब हमें बनाना है ग्रास ब्लॉक। तो ग्रास ब्लॉक तो हमने वैसे बना ही लिया था एक, वो इसमें शो नहीं हो रहा, वो अलग बात है, ये तो वीट से बनेगा, इसको बाद में देखेंगे। और उसके बाद हमें बनानी है एक ओक बकेट, और ये कैसे बनेगी, हे ब्लॉक हमें ड्राइंग बेसिन में डालना है, ठीक है। तो पहले तो बैग चलते हैं, अब हमें एक हे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और आई थिंक अब मुझे इन्हें कर ही देना चाहिए इनका काम। और इस बार मैं एक ग्रास ब्लॉक छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी पंगा हो, तो इन्हें कर देते हैं। और यहाँ पर मैं यही वाले सीड्स उगा देता हूँ, क्या कहते हैं इन्हें, नॉर्मी सीड्स। ओके, यहाँ पर और इसे सही कर देता हूँ, और मेरी हेल्थ भी देख सकते हैं आप कितनी कम है। तो फिलहाल जितना बोन मील है मेरे पास उसको चलो यूज कर ही लेते हैं, क्या ही करेंगे रख कर भी। ओके, फिर से उगाते हैं। ओके, तो ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है, और इससे हमें मिला तो कुछ नहीं, वैसे 6 वीट है हमारे पास, इतने से काम चलेगा नहीं। फिलहाल इनको बाहर निकाल लेते हैं अपने ड्राइंग बेसिन को, और इसे यहीं पर कहीं पर लगा देते हैं। क्या मैं इसे यहाँ पर लगा सकता हूँ नीचे, अगर मैं कोशिश करूँ। ओके, तो ये यहाँ पर लग जाएगा, बस अब कोई गड़बड़ ना हो, मैंने लगा तो दिया इसे यहाँ पर। हमें
प्लान क्राफ्टिंग यानी कि ये वाले चीज फिर से बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद कोबस्टोन सीन है, फिर हम कोबस्टोन पर पहुंचेंगे गाइस। लेकिन ये सारा काम करेंगे हम अगली वीडियो में, और आपको ये सीरीज कैसी लगी गाइस ये भी मुझे बताना जरूर कमेंट में। और अगर आपको आप चाहते हैं कोई मैं सीरीज शुरू करूँ तो उसका नाम भी कमेंट में बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।